बात बताइए, क्या खास बात? मैंने जो कह दिया इसलिए, क्यों क्या होता है? हर बात की वजह बतानी जरूरी है क्या? आया था तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर को मेरी उदासी दूर हो जाती। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा तन्हाइयां ने जो पाकिस्तान टेलीविजन के उर्दू ड्रामों में शोहरत समेटी, वो शायद किसी दूसरे ड्रामा के हिस्सा में ना आई, क्योंकि एक तो उस वक्त टेलीविजन अपने फुलफिल इक्विपमेंट के साथ अपनी रंगीन नशरियात को नशर कर रहा था, दूसरा प्रदेश में रहने वाले जो पाकिस्तानी प्रदेश में पाकिस्तान टेलीविजन नहीं देख सकते थे, वो ये मशहूर ड्रामे वीडियो कैसेट के जरिए VCR पर देख लेते थे। यही वजह थी कि तन्हाइयां का हर किरदार इस तरह से पाकिस्तान टेलीविजन देखने वालों के जहन पर नक्श कर गया कि आज तक लोग उन फनकारों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और उनको भूल नहीं पाए हैं। हम जानते हैं कि ड्रामा तन्हाइयां के मेन किरदारों में जारा और सानिया, जो कि शनाज शेख और मरीना खान ने बड़ी खूबी से निभाया था, वो शामिल थे। इसी ड्रामे का एक किरदार जारा और सानिया के बचपन के दोस्त जैन का था और जिसे आसफ रजा मीर ने निभाया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदाकारा के बारे में जिसने ड्रामा तन्हाइयां में आसफ रजा मीर यानी जैन की मंगेतर का रोल निभाया था। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अदाकारा सदाकारा डायरेक्टर यास्मीन इस्माइल की। हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए तो मौत भी है, हम क्यों खुद एक दूसरे से अलहदा होने की कोशिश करते रहते हैं? कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा यास्मीन इस्माइल 28 मार्च 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी तालीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद आर्मी के स्कूलों से हासिल की थी। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के आर्मी स्कूल से इसलिए एजुकेशन हासिल की थी कि उनके वालिद आर्मी में कर्नल के ओहदा पर फायज थे। दोस्तों, मशरकी और मगरबी हुसन का इम्तिजाज रखने वाली यास्मीन इस्माइल अपने वालिद की डेथ के बाद जल्द ही 1971 में रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो गई थी। यास्मीन इस्माइल ने यूं तो अपने फनी कैरियर का आगाज थिएटर से किया था और बाद में जब पाकिस्तान टेलीविजन मार्ज वजूद में आया तो वो दूसरे फनकारों की तरह थिएटर से टेलीविजन की तरफ आ गई। वो न सिर्फ ड्रामों में अदाकारी करती थी बल्कि वो थिएटर में बतौर डायरेक्टर भी काम करती थी और अदाकारा भी काम करती थी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी थिएटर जिसको डायरेक्ट किया था उसका नाम था उसामा है तो सामने आए। उनके आखिरी थिएटर प्ले का आप नाम से ही अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह के अनोखे किस्म के थिएटर को प्ले करती थी। दोस्तों, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की इस अदाकारा को उनकी उम्र के आखिरी 5 साल शदीद तकलीफ में गुजारने पड़े और वो ऐसी बीमारी में मुबतला हो गई थी कि वो बीमारी उन्हें कब्र तक ले गई। उन्हें क्या बीमारी थी, इस वीडियो के आखिर पर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। यास्मीन इस्माइल बुनियादी तौर पर थिएटर की अदाकारा थी और उन्होंने थिएटर ही को अपने शौक की तकमील के लिए कुली वक्त अपनाया हुआ था। यास्मीन इस्माइल उस थिएटर की अदाकारा थी जहां पर ना कोई गाना थिएटर में शामिल था और ना ही फहाशी का कोई अंसर थिएटर के प्ले में शामिल किया जाता था, बल्कि उसका तो कोई दूर तक नामोनिशान नजर नहीं आता था, जो कि आजकल के थिएटर प्ले में अक्सर फहाशी नजर आती है और गाने वगैरह भी मिलते हैं जिन पर मुख्तलिफ अदाकाराएं ठुमका वगैरह लगाकर पैसा बटोरती हैं। क्योंकि उस वक्त के थिएटर को पढ़े लिखे महज़ब लोग फिल्म की जगह थिएटर प्ले को ही देखना पसंद करते थे और थिएटर देखने के लिए आते थे। नाजरीन और सामीन, यही वजह थी कि पाकिस्तान में 60 और 70 की दहाई में होने वाले थिएटर प्ले में अदाकारी करने वाले फनकार भी आपको ज्यादातर आला तलीम याफ्ता मिलेंगे और उनमें ही एक नाम यास्मीन इस्माइल का था। यास्मीन इस्माइल ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 24 से ज्यादा थिएटर प्ले को डायरेक्ट किया था। उनके थिएटर प्ले को ज्यादातर मशहूर मुसन्निफ इमरान असलम लिखते थे और उन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी हद तक मैच करती थी और यही वजह थी कि इमरान असलम और यास्मीन इस्माइल ने बहुत ज्यादा इकट्ठे काम किया।
दोस्तों यास्मीन इस्माइल के मशहूर ड्रामों की अगर बात करें तो उनमें राशिद मिनास ड्रामा, अंधेरा उजाला, तन्हाइयां, देश परदेश, घर दफ्तर और हम, फैमिली 93 और कभी कभी प्यार में ड्रामा वगैरह शामिल थे। थिएटर और ड्रामों के अलावा यास्मीन इस्माइल ने एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था दीवाने तेरे प्यार के। दोस्तों ड्रामा तन्हाइयां में इस प्यारी सी लेजेंड अदाकारा का किरदार भी बहुत ही मोहब्बत भरा था। ड्रामा तन्हाइयां में जैन, जिसे हम आसिफ रजा मीर कहते हैं, उनके बचपन की मंगेतर का उन्होंने रोल निभाया था, मगर जब वो देखती हैं कि जैन उनकी बजाय जारा यानी कि शिनाज शेख में दिलचस्पी रखता है तो वो जैन से खुद कहती हैं कि तुम जारा से शादी कर लो। और ये एक बहुत ही जज्बाती और इमोशनल तन्हाइयां ड्रामे का सीन था। अब बात करते हैं यास्मीन इस्माइल की अज़्वाजी जिंदगी की। तो यास्मीन इस्माइल ने 1974 में जब उनकी उम्र तकरीबन 28 साल के करीब थी, उन्होंने तारक इस्माइल से शादी की थी। उनके शोहर तारक इस्माइल कराची के अंदर एक दवा बनाने वाली कंपनी में आला ओहदे पर फायज थे। इस तरह खुशहाल घराने में पैदा होने वाली यास्मीन इस्माइल भी एक अच्छे ही घर में ब्याह कर गई थी। आपके अपने शोहर तारक इस्माइल से दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी सिला इस्माइल जो कि इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कराची से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, जबकि उनका एक बेटा अमल इस्माइल है। आपके दोनों बच्चे अभी तक शोबिज इंडस्ट्री की तरफ नहीं आए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यास्मीन इस्माइल के आखिरी 4-5 सालों की। यास्मीन इस्माइल 2017 में मुझी बीमारी ओवरियन कैंसर का शिकार हो गई थी और अपनी उस बीमारी से वो 5 साल तक जंग लड़ती रहीं, मगर हार गईं और 18 जनवरी 2002 को अपने खाल के हकीकी से जा मिलीं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। हमारे सब्सक्राइबर्स को यास्मीन इस्माइल का कौन सा ड्रामा पसंद था, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। आखिर पर आपसे गुजारिश भी है कि आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। मौजूद सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।